हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ कर्ल कि कर्ल को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड आपकी जेड एक्सिस, तीन एक्सिस है। अब एक्स वाई प्लेन में हमने एक अपना रेक्टेंगुलर एरिया यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ए बी सी डी जो आपका है वो रेक्टेंगुलर एरिया है इस एक्स वाई प्लेन में। अब इस रेक्टेंगुलर एरिया में हम क्या लेके चल रहे हैं, पी इसका एक मिडल पॉइंट, सेंटर पे जो पॉइंट है इस रेक्टेंगुलर एरिया में उसमें उसको हम पी लेके चल रहे हैं। तो पी के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड, इस टर्म में हम पी के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपका स्पेस है इसमें आप हम जो वेक्टर फील्ड लेके चल रहे हैं वो ए वेक्टर फील्ड लेके चल रहे हैं और पी पॉइंट पे जो वेक्टर फील्ड है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ए कंसीडर कर ली। तो इसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। अब जो हमने ये ए बी सी डी यहाँ पे एरिया कंसीडर किया था इसमें हमारी साइड ए बी है उसको हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बी सी एंड ए डी इसको हम डेल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सी डी है दैट इज़ अगेन आपका डेल एक्स होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो अपोजिट साइड्स हैं उनके डायमेंशंस इक्वल होंगी। अब जो ए वेक्टर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पता है एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या है, लेकिन इस पर्टिकुलर साइड के अलोंग ए जो वेक्टर है उसका क्या कंपोनेंट होगा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए एक्स प्राइम से और डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं ए टू बी। सिमिलरली बी टू सी डायरेक्शन के अलोंग इस ए का कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ए वाई प्राइम, डी टू सी के अलोंग हमारा हो जाएगा ए एक्स डबल प्राइम एंड ए का कंपोनेंट इस साइड ए टू डी के अलोंग हो जाएगा ए वाई डबल प्राइम। यहाँ पे आप इन साइड्स को माइंड में रखना क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ए एक्स की डायरेक्शन आपकी ए टू बी, ए वाई प्राइम की डायरेक्शन बी टू सी, ए एक्स डबल प्राइम की डायरेक्शन डी टू ए एंड ए वाई डबल प्राइम की डायरेक्शन है ए टू डी। तो इस फिगर में हमने ये कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ए वेक्टर है उस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं इसके कंपोनेंट की फॉर्म में इस टाइप से कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, इस ए वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग दीज पर्टिकुलर साइड्स, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ कि उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे कि जो मेरा ए वेक्टर है इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट एट पी पॉइंट मुझे पता है ए एक्स, बट इसका कंपोनेंट अलोंग दिस साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अकॉर्ड अलोंग मुझे कुछ चेंज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँ कि यहाँ से यहाँ तक मुझे जो ए एक्स में चेंज मिला वो किसके रेस्पेक्ट में मिला, जो चेंज यहाँ पे होगा दैट चेंज इज कर्ली ए एक्स बाय कर्ली वाई, क्यों, क्योंकि मैं मूव कर रही हूँ वाई डायरेक्शन के अलोंग, सो दिस इज ax का जो चेंज होगा वो क्या होगा कर्ली ax by कर्ली y, y डायरेक्शन के अलोंग मूव किया है और कितना मूवमेंट किया है हमने, ये मेरा मिडल पॉइंट है तो ये अगर मेरा मिडल पॉइंट है तो ये मेरी डायमेंशन होगी डेल y by 2 एंड ये डायमेंशन भी होगी डेल y by 2, तो ये जो चेंज आएगा ये कितना आएगा दिस मल्टीप्लाई बाय डेल y by 2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई का नेगेटिव डायरेक्शन हो गई तो ये आपका हो गया दिस इज नेगेटिव ऑफ डेल वाई बाय टू। तो अब अगर हम देखना चाहें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द साइड ए बी, इस ए बी साइड के अलोंग ए का कंपोनेंट क्या होगा जिसको कि हम ए एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ए एक्स वैल्यू यहाँ पे जो थी और प्लस में जितना इसमें चेंज आया, चेंज कितना आया हमारे पास, इतना चेंज आया, तो ये हो गया ए एक्स प्लस करली एक्स बाई करली वाई डेल वाई बाई टू नेगेटिव का। तो ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे ये साइड के अलोंग कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। अगर हमें इस साइड के अलोंग कंपोनेंट निकालना आ गया तो हम ये कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, इसको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, ए का कंपोनेंट अलोंग दिस बी सी साइड, तो बी सी साइड में इसका कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट से इस साइड तक ट्रेवल करने
इस ट्रैवलिंग पाथ में कितना चेंज आया, किसका चेंज आएगा? आप देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, वाई, तो इसका मतलब ए वाई का चेंज होगा। और ए वाई का चेंज किसके रेस्पेक्ट में होगा, हम कैसे मूव कर रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका चेंज हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और उसके बाद इसके साथ हम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये है हमारा डेल एक्स बाई टू और ये भी हमारा डेल एक्स बाई टू। तो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है यहाँ पे डेल एक्स बाई टू, और ये डेल एक्स बाई टू हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। तो अब हम ये ए वाई प्राइम कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग दिस बी सी साइड, और ये कितना आ जाएगा, जो कि पी पे कंपोनेंट था ए वाई, उसके साथ हम प्लस कर देंगे जो ये हमारा चेंज आया उसको। तो दिस इज ए वाई प्लस कर लिए ए वाई बाई कर लिए एक्स डेल एक्स बाई टू। सिमिलरली हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ दिस ए अलोंग डी सी, डी सी के अलोंग कंपोनेंट, अब डायरेक्शन हमारी साइड है तो इस डायरेक्शन के अलोंग हम देखें तो हमारा ये क्या आएगा, अब अगेन डी सी के पैरेलल हमारा है ए एक्स, तो इसका मतलब ए एक्स में चेंज होगा और हम मूव कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाई के अलोंग चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, डी सी में ए एक्स प्लस करली एक्स बाई करली वाई, एंड पॉजिटिव वाई है तो डेल वाई बाई टू। एंड सिमिलरली हमारा ए डी कंपोनेंट आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे, तो ये आ गया ए वाई प्लस करली ए वाई बाई करली एक्स, और अब हम लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ एक्स की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ डेल एक्स बाई टू। तो ये सब हमने यहाँ पे ए के कंपोनेंट निकाल लिए चारों साइड्स के अलोंग, और डायरेक्शंस आपकी प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि जो ये कंपोनेंट्स हैं इनकी पर्टिकुलर क्या डायरेक्शन होगी यहाँ पे। अब देखो नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, हमें क्या करना है, कर्ल निकालना है ना, तो कर्ल के लिए हमें क्या चाहिए, इस पाथ के अलोंग टोटल लाइन इंटीग्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए का जो इस कंप्लीट राउंड पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द साइड ऑफ रेक्टेंगल बाय द रेस्पेक्टिव पाथ लेंथ, कि हम क्या करेंगे, ए का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको रेस्पेक्टिव पाथ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ए बी के अलोंग लाइन इंटीग्रल होगा तो इसका जो पाथ लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए के टेंजेंशियल कंपोनेंट को, बी सी की डायरेक्शन में इस टेंजेंशियल कंपोनेंट को इस पाथ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टाइप से हम सभी पाथ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अब पॉइंट ये है कि हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, हमने कहा कि जो हम पाथ लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम वो पाथ एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पाथ लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस ए बी साइड क्या होगा, ये इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हमारे पास ए एक्स प्राइम आया था उस ए एक्स प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे पाथ लेंथ से, पाथ लेंथ है डेल्टा एक्स, और दोनों चीज़ें हमारी सेम डायरेक्शन में है, लाइन इंटीग्रल भी एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट भी, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही टर्म हम यहाँ पे लेके चलेंगे डेल्टा एक्स। तो ये हो गया हमारा ए एक्स माइनस वन बाई टू, जो भी हमारी एक्स प्राइम की वैल्यू थी उस एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट की और उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा लाइन इंटीग्रल आ गया ए बी साइड के अलोंग। एक पॉइंट ध्यान में रखना कि यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल में इंटीग्रल का सिंबल नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि हम डिस्क्रीट क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, देखो यहाँ पे डेल एक्स की फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो ये इटसेल्फ आपका लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी साइड के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल मेरा ये आ गया। नेक्स्ट बी सी साइड के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल की बात करूंगी, तो अगेन मेरा ए वाई प्राइम जो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट था उसको पाथ लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगी, और यहाँ पे अगेन डायरेक्शन सेम है इसकी भी और आपके लाइन इंटीग्रल की भी, तो इसका मतलब डेल वाई यहाँ पे पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा। तो ए वाई की आपकी ए वाई प्राइम की वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और इसको डेल वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं सी डी की, देखो अब मेरा नेक्स्ट है सी डी, मीन्स इस पाथ के अलोंग मुझे लाइन इंटीग्रल चाहिए, बट मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ अब जो डायरेक्शन है उसका नेगेटिव साइन ले लेती हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे नेगेटिव ऑफ डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए एक्स डबल प्राइम की वैल्यू और उसके साथ नेगेटिव ऑफ डेल्टा एक्स। सिमिलरली जब मैं डी ए की बात करूँगी, डी ए मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन और टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो अब मैं अगेन क्या करूँगी, मेरे टेंजेंशियल कंपोनेंट से जो पाथ लेंथ इस साइड की साइड को मल्टीप्लाई करूँगी, तो उसमें मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दूँगी।
तो कब मुझे डेल्टा एक्स पॉजिटिव लेना है या कब नेगेटिव लेना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब मेरा लाइन इंटीग्रल एंड टेंजेंशियल के डायरेक्शन सेम है तो उस केस में मेरा डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई जो पाथ लेंथ लेके चल रही हूँ वो पॉजिटिव टर्म्स में मल्टीप्लाई होंगे, और जब मेरे टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन अपोजिट है उस केस में जो पाथ लेंथ है उसके साथ मैं नेगेटिव साइन यूज़ करूँगी। तो इस टाइप से चारों साइड के अलोंग मेरे पास यहाँ पे लाइन इंटीग्रल आ गए हैं। अब टोटल लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस बाउंड्री में निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, इन चारों लाइन इंटीग्रल्स का सम, और इनको सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इन कंपोनेंट्स को सम किया तो राइट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज़ को पुट करके मैं यहाँ पे सम करूँगा। अब एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसके साथ डेल एक्स कंपोनेंट है एंड थर्ड टर्म है उसके साथ भी डेल एक्स कंपोनेंट है। तो हमने क्या किया, डेल एक्स कॉमन ले लिया एंड फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट को कंबाइन कर दिया। अगेन सेकेंड टर्म में डेल वाई है एंड फोर्थ टर्म में भी मेरे पास डेल वाई है, तो डेल वाई को फिर से कॉमन लिया और बाकी जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दी टर्म्स यहाँ पे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा करली ए वाई बाई करली एक्स डेल एक्स डेल वाई माइनस करली एक्स बाई करली वाई डेल एक्स डेल वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास ए एक्स की टर्म और ये एक्स की टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और उसके बाद ये हाफ हाफ टर्म हमारी वन हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा नेगेटिव ऑफ ये नेगेटिव हाफ एंड ये भी नेगेटिव हाफ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा नेगेटिव ऑफ ए एक्स बाई करली वाई डेल एक्स डेल वाई फर्स्ट टर्म से, एंड सेकेंड टर्म में सिमिलरली मेरा ए वाई कैंसिल होगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा पॉजिटिव ऑफ करली ए वाई बाई करली एक्स डेल एक्स डेल वाई, और इसको जब हम डेल एक्स डेल वाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। हमने टोटल लाइन इंटीग्रल निकाला था तो टोटल लाइन इंटीग्रल हमारे पास अलोंग दिस ए बी सी डी कर्व जो आया था वो क्या आया था, दैट इज़ करली ए वाई बाई करली एक्स माइनस करली एक्स बाई करली वाई डेल एक्स डेल वाई। अब इस ए बी सी डी जो शेप है इसका एरिया कितना है, दिस इज़ डेल्टा एक्स दिस इज़ डेल्टा वाई, सो एरिया यहाँ से क्या बनेगा, एरिया इज़ डेल एक्स एंड डेल वाई, ये एरिया बन गया। मैं अगर लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया निकालना चाहूँ तो मुझे इस टर्म को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब डेल एक्स डेल वाई की टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरा लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया यहाँ पे ये टर्म आ गई है। सो दिस इज करली ए वाई बाई करली एक्स माइनस करली एक्स बाई करली वाई। अब ये टर्म क्या है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम देखना चाहें तो ये टर्म क्या है हमारी, ये टर्म एक्चुअली मेरा जैसे ये एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में जो कर्ल ए का कंपोनेंट है वो है मेरी ये टर्म। सो दिस टर्म इज एक्चुअली जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल ए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कर्ल ए जेड कंपोनेंट है तो के कैप से मल्टीप्लाई किया और ये मेरी टर्म आ गई है यहाँ पे। इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ कर्ल ए जेड कंपोनेंट, जो कर्ल ए का जेड कंपोनेंट है वो है मेरा ये। सिमिलरली जैसे हमने जेड कंपोनेंट के लिए सोल्व किया है, अगर मैं एक्स कंपोनेंट के लिए सोल्व करूँगी तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इस शेप को वाई जेड प्लेन में लेना पड़ेगा, और जब मैं वाई कंपोनेंट के लिए सोल्व करूँगी तो मुझे एक्स जेड प्लेन में इस शेप को लेना पड़ेगा। तो जैसे हमने जेड कंपोनेंट के लिए सोल्व किया था वैसे ही हम अगर एक्स वाई कंपोनेंट के लिए सोल्व करें तो ये हमारे कंपोनेंट्स आएंगे एक्स कंपोनेंट ए जेड बाई करली वाई माइनस करली ए वाई बाई करली जेड, एंड वाई कंपोनेंट आएगा करली ए एक्स बाई करली जेड माइनस करली ए जेड बाई करली एक्स। ये मेरे तीनों कंपोनेंट आ गए। अब इन तीनों कंपोनेंट को इनकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट को वाई कैप से मल्टीप्लाई किया, वाई कंपोनेंट को जे कैप से, जेड कंपोनेंट को के कैप से, तो मेरे पास ये टोटल सम आ गया। राइट हैंड साइड में मैं इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देती हूँ, अगेन इनको आई जे के से मल्टीप्लाई किया और टोटल सम किया। अब ये चीज़ क्या है, दिस इज़ एक्चुअली हम जब मैट्रिक्स में सोल्व करते हैं आई जे के, यहाँ पे आपका डेल ऑपरेटर और यहाँ पे आपके एक ही कंपोनेंट्स, सो ये है, तो दिस इज़ योर कर्ल ए। तो कर्ल ए मेरे पास यहाँ पे इन तीनों के कंपोनेंट का सम आया और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आया, डेल क्रॉस ए। तो इसका मतलब जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसका मुझे कर्ल निकालना है तो उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, डेल ऑपरेटर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ए के साथ। तो इस टाइप से मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकाल सकती हूँ। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी को इस टाइप से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।